एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडे, चूहे, मेंढक, खरगोश और छोटे जानवरों को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर सुस्त पड़ा रहता। कुछ ही दिनों में वह काफी लंबा चौड़ा और मोटा हो गया था। उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया था। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों का एक बिल था। वहाँ ढेर सारी मिट्टी जमा थी। नाग ने कहा, ये बवाल मुझे पसंद नहीं, ये गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। भाई गुस्से से बिल के पास गया और उसने चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। नागराज को देखकर और जानवर तो थर थर कांपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उसकी धौंस का कोई असर नहीं पड़ा। अब नाग का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने उनके बिल पर हमला किया। इससे चींटियों को बहुत गुस्सा आ गया। नाग के ऊपर चढ़कर उसे काटने लगी। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा।